हाँ, एक और कंपनी से हम कनेक्ट होते हैं, वो है महिंद्रा लॉजिस्टिक, और कंपनी के MDO एंड CEO राम प्रवीण स्वामीनाथन, नाम बहुत सुंदर है उनका, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे जरा करते हैं बातचीत। मिस्टर स्वामीनाथन, बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो समय देने के लिए। पिछले 3 क्वार्टर पे हम जा रहे हैं, लास्ट 3 क्वार्टर्स में हमने चेक किया कि 23% ग्रोथ आप दिखा रहे हैं, और इसमें हमने स्लो डाउन को भी आपने काफ़ी अच्छे से मैनेज किया है। एक बार आप जरा ये बता पाएंगे इस समय डिमांड का सिनेरियो कैसे है पैन इंडिया? जैसे आपने बताया, पहले 9 महीने में हमारा ईयर ऑन ईयर ग्रोथ लगभग 26% का था टोटली अक्रॉस ऑल आर बिजनेसेस। और अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली जो फोर्थ क्वार्टर हमेशा थोड़ा स्लो डाउन रहता है कुछ सेगमेंट्स में, तो उसका इम्पैक्ट तो रहेगा कंपेयर टू थर्ड क्वार्टर। स्लो डाउन ग्रोथ स्लो डाउन हुआ है, मगर स्टिल पॉजिटिव है। जहां से हम देख रहे हैं कुछ सेगमेंट्स में काफी स्ट्रेंथ है, हमारे ऑटोमोटिव और फार्म बिजनेसेस जो पिछले 2-3 साल से वीक रहे हैं, उनमें ऑब्वियसली पिछले कुछ क्वार्टर से स्ट्रॉन्ग रिबाउंड हुआ है और वो स्ट्रेंथ हमारे हिसाब से कंटिन्यू होगा। राइट, जनरल मैन्युफैक्चरिंग में भी ग्रोथ पॉजिटिव है, आई थिंक वो भी अच्छे तरह से ग्रो हो रहा है। आई थिंक जहाँ पे कंजम्पशन ड्रिवन मार्केट्स हैं, जैसे जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स या FMCG, वहां पे थोड़ा स्लो डाउन हुआ है फॉर श्योर। और ई कॉम में क्योंकि नेटवर्क जो है उन्होंने काफी कुछ जो हमारे कस्टमर्स ने काफी नेटवर्क एक्सपैंड किया था, और क्योंकि उनका वॉल्यूम थोड़ा स्लो डाउन हुआ है उसके और कारण ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट पड़ा है। मगर ई कॉम में ज्यादातर एक साइक्लिकल करेक्शन, और पिछले 3-4 क्वार्टर थोड़ा डिप्रेस रहेगा, मगर आई थिंक उसके बाद हमारे हिसाब से वो वापस एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ फेस में आ जाएगा। बाकी सब मार्केट्स में हम ज्यादातर चेंज नहीं देख रहे हैं अगले 1-2 क्वार्टर में एटलीस्ट, शायद ऐसे रहेगा। जो बजट ब्रॉडली एक्सट्रीमली पॉजिटिव रहा है और उसका शायद सम पॉजिटिव इम्पैक्ट कंजम्पशन पे होगा। अभी तक तो वो क्लियरली नहीं दिख रहा है, मगर एक्सपेक्टेशन है कि उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। जी, आपने कुछ समय पहले थोड़ा स्लो डाउन ई कॉमर्स स्पेशली की फील्ड में के बारे में जिक्र किया था। अब जो है त्योहारी सीज़न आ गया है और ई कॉमर्स आपका करीब करीब 20% है रेवेन्यूज़ का। इस समय सिचुएशन कैसी है? पहले एक करेक्शन मैं आपके बेनिफिट ये कर दूं कि हमारा जो ई कॉम बिजनेस है रफली 20% ऑफ नॉन महिंद्रा बिजनेस है, तो अप्रोक्सीमेटली 10% के लगभग है ओवरऑल ओवरऑल बास्केट में। अगर आप पूरा कंपनी के लेवल पे देखेंगे तो 10-11% शायद वो आएगा। तो उसमें क्या, तो उसमें पिछले 2-3 साल में वहां ग्रोथ हैज बीन वेरी स्ट्रॉन्ग। तो अभी हम क्या देखें, ग्रोथ स्लो डाउन हुआ है, और हमारे हिसाब से बिटवीन नाउ और ये दिवाली तक, 2023 दिवाली तक ज्यादा सिग्निफिकेंट ग्रोथ नहीं होने वाला है। राइट, अक्रॉस द बिजनेस कुछ सेगमेंट्स में ग्रोथ होंगे, जैसे ग्रोसरीज में ग्रोथ बहुत स्ट्रांग है। अभी जो लार्ज अप्लायंसेस में ग्रोथ वापस आया है, सो आई थिंक सेगमेंट्स स्पेसिफिक सेगमेंट्स में ग्रोथ होंगे, बट ओवरऑल जो ग्रोथ थोड़ा म्यूटेड होगा F 2023 कैलेंडर 23 में। आई थिंक पोस्ट दिवाली के बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि देयर विल बी सम रियल जो स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी एडिशन अगेन। अच्छा, ठीक है। मिस्टर राम प्रवीण, एक और चीज़ समझना चाहेंगे, क्योंकि आपका एक जो इनिशियल टारगेट आपने रखा था फॉर FY24 के लिए, और इनफैक्ट आज से 4-5 साल के लिए भी आपने लगभग 10,000 करोड़ का टारगेट, रेवेन्यू टारगेट्स रखे हैं, लेकिन कंसिडरिंग जिस तरह का स्लो डाउन देखने को मिल रहा है, क्या कहीं पर आप टारगेट को रिवाइज करना कंसिडर कर रहे हैं? देखिए, हम गाइडेंस तो जेनी नहीं देते हैं एज यू नो, बट हमारे हम ऑप्टिमिस्टिक हैं कि ग्रोथ, पहले द 10,000 करोड़ 10,000 करोड़ का जो विजन था हमारा, राइट, वो हम अभी तक उसको कुछ रिवाइज नहीं कर रहे हैं। वो तो विजन है कि हम कॉन्फिडेंट हैं कि यू नो वो हमारे बस में है। ऑब्वियसली उसके लिए थोड़ा 1-2 क्वार्टर यहाँ वहाँ शायद मूव हो सकता है, मगर ब्रॉडली हम ऑन ट्रैक है उसको अचीव करने के लिए। अभी F 24 में भी हम एक्सपेक्ट करें कि ओवरऑल बास्केट पे ग्रोथ होगा। आई थिंक MLL जो महिंद्रा लॉजिस्टिक्स टुडे है, उस हमारे एंड मार्केट और सर्विस डाइवर्सिफिकेशन बहुत स्ट्रांग है। अक्रॉस अगर आप देखेंगे डिफरेंट मार्केट्स का कॉन्स्टिट्यूशन बैलेंस्ड है,
और उसके कारण अगर कुछ सेगमेंट जैसे ई कॉम में ग्रोथ कम होगा तो बाकी सेगमेंट जो जैसे ऑटोमोटिव उसको कॉम्पेंसेट करेगा, राइट। सिमिलरली हमारे सर्विसेज बास्केट में भी और डाइवर्सिफिकेशन है, सो वो बैलेंस जो है नेचुरली हमने कोशिश की है स्ट्रेटेजिकली उसको क्रिएट करने के लिए, और उसका बेनिफिट और लाभ आई थिंक आप अगले 1-2 साल में देखेंगे कि जितना भी थोड़ा वेरियंस होगा सेगमेंट में उसका कुछ भारी इम्पैक्ट नहीं रहेगा कंपनी के ओवरऑल ओवरऑल बेस पे। ऑल राइट, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर स्वामीनाथन आज समय देने के लिए और ये सारे सवालों के जवाब देने के लिए। तो महिंद्रा लॉजिस्टिक्स से हम बात कर रहे थे और आज महिंद्रा लॉजिस्टिक इनफैक्ट कई सारे पहलुओं पे बात हुई, रेवेन्यू गाइडेंस वो यहाँ नहीं देना चाहते लेकिन ग्रोथ स्लो डाउन एक बड़ा कंसर्न तो रहेगा।